वर्थ ट्राइंग गाइस, मस्त बना है, बहुत यम्मी है। रोहन क्या कैसे करता है? रोहन कहाँ है बता सबको, रोहन कहाँ है? चबी चिक्स, चबी चिक्स, चबी चिक्स। अरे वो सर है थोड़ा नीचे। यहाँ पे, चबी चिक्स कहाँ है? चबी चिक्स यहाँ पे, चबी चिक्स यहाँ पे। और ये देखिए, ये नेक्स्ट डे है, दोपहर का वक्त है, जब रोहन रोज अपनी दादी के साथ नमाज रूम में जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से रूहान की दादी रूहान को कलमा पढ़ा रही हैं, उन्हें कलमा याद करा रही हैं। वो रूहान की तरबियत बिल्कुल अपने बेटे शुएब की तरह करना चाहती हैं, जैसे उन्होंने अपने बेटे शुएब की परवरिश की है। शुएब अपने माँ बापों की और अपनी पूरी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ दीपिका भी पूरी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। शुएब एक बेस्ट बेटे हैं, बेस्ट हस्बैंड हैं और एक बेस्ट फादर भी हैं। वो अपनी फैमिली की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि सभी उनकी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो सभी का मानना यही है कि हम रूहान की परवरिश इसी तरह से करेंगे जैसे कि शोएब की हुई है। दीपिका ने भी अपने एक व्लॉग्स में यही कहा था। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा जो है ट्रोल करते थे पहले कि दादी रूहान को क्यों नहीं लेती, ज़्यादातर नानी ही लेती रहती हैं। तो अब फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि दादी भी खिलाती हैं उन्हें, नीचे भी ले जाती हैं बहुत टाइम के लिए। रूहान अपनी दादी के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। दीपिका बहुत ही बेस्ट बहू हैं, वो कोई भी अपना फ़र्ज़ निभाने में नहीं चूकती हैं। जैसे उनकी नानी खिलाती हैं, वैसी ही वो दादी को भी देती हैं रूहान को वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। शोएब हर चीज़ में परफेक्ट हैं, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। हम तो यही चाहते हैं कि रूहान की परवरिश भी वो अपनी ही तरह करें, रूहान भी बड़े होकर अपने पापा की तरह अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, रूहान की परवरिश भी शोएब की ही तरह हो रही है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।